अचानक से 2 दिन से शैडो का तबीयत बहुत ख़राब होते जा रही थी और वो ना ब्लड पॉटी कर रही थी। तो मैं फ़ौरन एकदम वेटरनरी को कॉल किया जो उसका चेकअप करती है, और ऐसे बहुत शरीर भी बहुत वीक हो गया था। तो इसका जो माउथ एरिया है उसको मैं बांध दिया था एक थिन ये रोप से, ताकि वो कोई अटैक ना कर पाए, क्योंकि उसको सैलाइन देना पड़ेगा। वो कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं था, कुछ भी अगर खाती है तो वॉमिटिंग या पॉटी एकदम ब्लड ब्लड सी जो कलर है उस तरह से पॉटी या वॉमिटिंग कर रही थी। तो इसलिए फ़ौरन उसको सैलाइन देना पड़ा। तो सैलाइन देने से वो काफ़ी ठीक ठाक था। तो पहले ना इसको ऐसे इंजेक्ट कर रही थी वेटनरी, तो मुझसे वो एकदम देखा नहीं गया था। पर क्या करूँ, ट्रीटमेंट है, अगर शैडो को ट्रीटमेंट करनी है तो ऐसे तो करना पड़ेगा ही। ये हर टाइम्स हर एक पेट ओनर को झेलना पड़ता है कभी ना कभी लाइफ में। तो सैलाइन लगभग 1 घंटे से हुआ था उसका, तो काफ़ी वो टेक इन कर सकती थी सैलाइन को, ठीक है। फिर 3 इंजेक्शन भी हुआ था, ये शायद 3 या 4 दिन तक ये चलेगा जब तक वो उसका शरीर एकदम ठीक ना हो जाता। तो अगर आपके पास भी कोई पेट्स है और आप पेट लवर हो मेरे जैसे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। Hey guys, तो डॉक्टर आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया, तो शैडो को चेकअप करना, ट्रीटमेंट करने के बाद उसका सैलाइन हो गया। फिर मैंने नहा धोकर एकदम रेडी हो गया फॉर द डे, क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया मैंने, क्योंकि अगर मेकअप नहीं करूँगी तो ब्लॉग वीडियो बनाने के अच्छा नहीं लगेगी। और यहाँ पर शिवानी देखो खेल रही है। आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है और काफ़ी रोमांटिक वेदर भी है। तो बेटी यहाँ पर खेल रही है, तो अब मैं उसको फीडिंग कराऊंगी। तो चलो जल्दी से उसका मिल्क जो है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसका जो लंच टाइम है, अब मैं इसका 2:45 बजे इसको देती हूँ, और लंच में थोड़ा ज़्यादा मिल्क देती हूँ 180 ml या उससे भी थोड़ा कम, ठीक है। 180 ml का मिल्क वो एक चांस से नहीं खाता है, उसको 2-2 बार का ब्रेक लेकर खाना पड़ता है। तो पहले वो थोड़ा खाएगा, फिर मैं लंच करने जाऊँगी तब वो खेलेगा, तब फिर लंच करके मैं आऊँगी तब वो जो बाकी का पोर्शन है वो खा जाएगा। फिर यहाँ पर मैं लंच में आज था ऑमलेट एंड फ्राइड राइस। हे गाइस, तो लंच चली आई है, तो मम्मी लंच दे गई है, अब फटाफट से खा लूँगी। और इधर क्रीम में ना उसको मैंने सुला दिया है, चलो अब जल्दी से खा लेते हैं। और आज ना बहुत रेनी सीजन हो रही है, तो माहौल कुछ अलग ही है। और आज लंच में मैंने बोला था कि फ्राइड राइस एंड ऑमलेट है, तो चलो फटाफट लपटा लेते हैं। तो अब मैं कॉफी पी रही हूँ, बिस्किट सभी खत्म हो गई है, बहुत ठंडी है और बाहर तो बारिश भी हो रही है। आज ना थोड़ा बाहर जाऊंगी क्योंकि शिवानी के लिए मिल्क खरीदनी है मुझे, तो चलो बाहर मिलके बात करते हैं। Hey guys, तो बारिश हो रही है फिर भी बहुत ही सर्दी है, तो जैकेट पहन ली और अब हम जाएंगे। तो हस्बैंड बाइक लेने के लिए गई है, तो चलो चलते हैं जल्दी से। Guys, तो यहाँ पर देखो बैग वगैरह हेलमेट सब कुछ ले ली है मैंने, जाने के लिए अभी तक नहीं आया। इस सड़क पर ऐसे वेट करने से बहुत अजीब लगता है मेरे को। वहाँ देखो टिप टिप कर बारिश पड़ रही है। Hey guys, तो चली आई, वो जो तेल भर रही है पेट्रोल पंप में, मैं खड़ी हूँ अब, और बारिश भी पड़ रही है, तो नज़ारा तो बहुत सुंदर है। तो कैसी लग रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है पता है ये तो पहनकर। और रास्तों में ऐसे व्लॉगिंग करना थोड़े बहुत अजीब लगता है, पर क्या करूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चलो क्या क्या खाते हैं दिखाती हूँ, पता नहीं कि ये जो आए हैं मेरे साथ मेरे हस्बैंड कुछ खिलाएगा कि नहीं, अगर खिलाते हैं तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो फिर हम यहाँ पर रुके हैं, तो सब्जी वगैरह शायद खरीद रहे हैं,
से रुके हैं यहाँ पर। तो हम चले हैं यहाँ पर खरीदने, हो गया है मिल्क। अब हम जाएंगे क्रीम खरीदने, क्योंकि जॉनसन सेल का जो क्रीम यूज करती हूँ ना, तो वो यहाँ पर नहीं मिला हमको, तो फिर दूसरे दुकान में हम जाएंगे। चलो हे गाइस, तो हम जा रहे हैं बिरयानी लेने। हम चले आए हैं चिकन बिरयानी लेने यहाँ पर। हे गाइस, हम घर चले आए एकदम फ्रेश फ्रेश होकर। पहले बिरयानी को ऐसे खोल दिया खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो व्लॉग के अभी अभी खत्म करते हैं हम, क्योंकि हम डिनर करेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और न्यू चैनल तो सब्सक्राइब करना चैनल अगर मेरी कॉन्टेंट अच्छी लगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।